कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी हकीम साहब, जी साहब सिंह जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए। जय हिंद, स्वागत है आपका। हकीम साहब, जी स्वागत है। गैस बनती है बहुत ज्यादा, ठीक है ठीक है। नीचे से करो को क्या गैस, गैस नीचे से नीचे। शुरू होती जी है। जी जी हाँ ठीक है ठीक है। जी, और कोई सवाल तो नहीं है आपका? हाँ और भी है, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। और मुंह से भी जाती है, मुंह गंदा रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है। सौंफ, धनिया 100-100 ग्राम लीजिए। सौंफ और धनिया 100-100 ग्राम लेकर खूब बारीक पाउडर बना लीजिए। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून ये असली लेना, 2 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में डालिए और इस पानी से सौंफ और धनिए का पाउडर खाइए दिन में 2 बार, खाने से पहले या बाद में भी ले सकते हैं, 2 बार खाइए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, सुनीता जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ तो दवा बताइए, दवा नहीं खाए हैं, अभी टीवी में देखकर आपसे बात कर रहे हैं। आप अपना रोग बताइए। मेरा कमर में दर्द है 6 महीना से। नहीं और दवाई इस्तेमाल की है आपने हकीम? नहीं खाए हैं, अंग्रेजी दवाई खाए हैं, इधर दवा नहीं खाए हैं। उम्र कितनी है एलोपैथी आपकी? उम्र कितनी है? 55 साल। ठीक है जी हकीम साहब। दवा बताइए। देखिए, दवा है गोंद, है एक जिसको गोंद सियाह कहते हैं, असली लेना ज़रूरी है, नकली मत ले लेना। आधा आधा ग्राम खाते हैं, आधा आधा ग्राम का मतलब होता है बड़े वाले चने के बराबर, जो बड़ा वाला चना होता है ना, छोले वाला, छोले भटूरे वाला चना। आधा आधा ग्राम गोंद सिया खाइए असली लेकर, और भगवान से मदद मांगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, गोकुल जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते सर। आदाब, आदाब, जय हिंद, स्वागत। जरा मेरी प्रॉब्लम, एक साल से मैं आपकी दवा खा रहा हूँ लेकिन ज्यादा फर्क नहीं गिर रहा मेरे को। सर 500 ग्राम मैंने गोश्त किया खाया अभी तक, 200 ग्राम मैंने, 2 डब्बे मैंने खाया टी घेर के, 2 डब्बे छोड़ के खाया, और अभी ये 2 डब्बे समझे दूसरा डब्बा चालू है अपने केयर का। कितना और फायदा है अभी मेरे तक? देखो शुरू में गोश्त किया ले रहा था, जब 40-50% फायदा होगा था। एक ही प्रॉब्लम है, देखो मोशन बराबर साफ नहीं होते, तो आपका मैं चूरन ले रहा और ये ले रहा क्या बोलते तो जैतून का नमक, लेकिन एक दिक्कत आ रही सर कि जैसे भाई अपन वो चूरन ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं तो उससे जैतून का नमक ले रहे और अरंडी का तेल ले रहे, साला वो मोशन मेरे को ज्यादा हो जा रहे, 2-3 बार 4 बार ज्यादा पड़ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है जी। देखिए, मोशन के लिए तो आप दवा ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ये नुस्खा कम कर लीजिए, मोशन वाला थोड़ा सा कम कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, तो मोशन आपको ज़रूरत के मुताबिक आने लगेगा। और गौन सिया से आपको फ़ायदा है तो गौन सिया ही खाइए, और 3 बार खाइए गौन सिया, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम दोपहर, आधा ग्राम शाम। और एक तो वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना अनिवार्य है, ज़रूरी है, तो वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, और जो भी कमी रह गई है वो भगवान से मदद मांगे, दवाई ना छोड़ें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वाले मैम। सलाम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, वाले सलाम। कैसे हैं? सब बढ़िया है माशाल्लाह, आपसे बहुत दिन में बात हो रही है। जी हकीम साहब, मैं ये पूछना था, हमारे एक जानने वाले हैं तो उनकी एक लड़की है 5.5 या 5 साल की है, तो जब वो पैदा हुई है तो वो चल नहीं पाती थी, पहले ना चल पाती थी ना बोल पाती थी, तो उसका बहुत इलाज कराया गया, अब वो चल लेती है लेकिन वो बोल बिल्कुल नहीं पाती, बस पापा के अलावा कुछ नहीं बोल पाती है। वैसे उसका इलाज चल रहा है,
तो कुछ हकीम इसमें मतलब यूनानी में कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह है कि जिससे वो ठीक हो सकती है कि है इलाज की नहीं है, ये जानना। पापा के अलावा और कुछ नहीं बोल पाती है, समझ भी लेती है हर चीज, जान भी लेती है और दिमाग की भी बहुत अच्छी है, हर चीज पहले की याद रहती है, बस सिर्फ बोल नहीं पाती है। ठीक है। बादाम का तेल हो अच्छे किस्म का, असली हो, तो उसको किसी सूरत रोज़ाना एक चम्मच बादाम का तेल, चाहे दूध में मिलाकर चाहे उसके सब्जी सालन में मिला दिया करें, उसे रोज़ एक चम्मच, छोटा चाय का चम्मच उसके पेट में जाना चाहिए। और जब वो 6 साल की हो जाए तो ये 2 चम्मच कर देना। मुझे उम्मीद है वो बच्ची इंशाल्लाह ज़रूर बोलेगी, थोड़ा लेट हो सकती है लेकिन उसको बोलना चाहिए। जी केसर जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ मेरा जो है कमर के पास जो होता है लेफ्ट साइड नीचे ही हिप जॉइंट की तरफ दर्द होता है, नमनेस स्टिफनेस रहता है और पैर के नीचे उंगली से आधा पैर तक पूरा नम लगता है। उम्र कितनी है आपकी? 40। कमर में डिस में रगे दबने का सबब आपको ये परेशानी है मेरे तजर्बे में। और आप एक तो वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ किया करें, वेस्टर्न टॉयलेट कुर्सी वाला शौचालय, और वज़न ना उठाया करें बिल्कुल कुछ दिन तक। और गोंद स्याह आता है ले लें, असली नकली मत ले लेना, नकली बहुत ज़्यादा आ रहा है, असली गोंद स्याह लें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से लें, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या दूध से लें। अगर आप कुछ दिन ये खुराक लेते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी माया जी हैं हमारे साथ, स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। हकीम साहब को बहुत बहुत नमस्कार, टीवी सामने हम देख रहे हैं, आपकी आवाज़ इससे पहले की आ रही थी इसलिए हमने टीवी वॉल्यूम धीमा कर दिया, आज मेरी बड़ी किस्मत थी मुझे फोन लग गया। जय हिंद, स्वागत है आपका दोबारा। हाँ हकीम साहब, हमारा एक क्वेश्चन ये है कि हम अर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आज करीब 12-13 साल से हैं और काफी मतलब इलाज करते करते बस ये है कि चलते फिरते रहते हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं। नमस्कार हकीम साहब। नमस्कार जी। हमारी प्रॉब्लम हम बताएं? जी बता दी आपने। हाँ तो हमारा ये कहना है कि हम 12-13 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस हुआ था, तो उसके बाद फिर हमने काफी इलाज कराया जो हमें जिस समय जो पता लगा, लेकिन ज्यादातर आयुर्वेदिक ही हमने कराया, लेकिन जब से अब हम साल भर से आपसे जुड़े हैं तब से हमने आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं जो जो हमें दवाई बताते रहे हमने सारी दवाइयाँ मंगाते रहे, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या खाएं क्या छोड़ें। बहुत लोगों को हमने दवाई बिना पैसे की दिया है, हमारे मतलब जान पहचान में या हमारे परिवार में, उन लोगों को बहुत फायदा कर रहा है, लेकिन मुझे या तो सीक्वेंस नहीं पता है कि हम कैसे खाएं या जितने डॉक्टर बताते हैं हम सब दवाई मंगा लेते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने अभी जो है हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी है कि मेरे हाथ में झंझनाहट लगातार हो रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चिलगोजा दिया था आपके डॉक्टर साहब ने, कल चिलगोजा खाइए, चिलगोजा भी खाते हैं फिर भी नहीं, मुझे रात में दूसरी दवाई खानी पड़ती तब हमें नींद आती है, अब दिन रात रहती है मेरे, ऐसा नहीं कि किसी एक में बंद हो जाए, दिन रात मेरे झंझनाहट रहती है एक हाथ में। ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो आप, मैं एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ वो सीख लीजिए, और चिलगोजा मत खाइए, गोंद स्याह खाइए आधा आधा ग्राम 2 बार, गोंद स्याह, तो ऐसे बैठे बिल्कुल सीधे और ये कान इससे मिलाएं, ये एक्सरसाइज आपको 3 मिनट करनी है रोज़ाना या उससे ज़्यादा करें, 3 मिनट तो ज़रूर करनी है। कौन सी? ये और खूब समझ लें, ये एक्सरसाइज करते रहना है 3 मिनट तक, और 3 मिनट ये। अच्छा 15 दिन से पहले मत छोड़ना, आपको कसम है 15 दिन से पहले एक्सरसाइज छोड़ना ही नहीं है, और 15 दिन बाद आपका वो झंझनाहट कहाँ गई आप ढूंढते रह जाएंगे, अगर आपने मेरी सही बात मानी
और उतने ही टाइम किया जितना मैंने बताया, और गौन सिया लीजिए। तो ये आप शुरू करिए, 15 दिन मुझे दीजिए, 15 दिन के बाद आप फ़ोन करिएगा, आप ज़रूर कहेंगे कि आपकी तकलीफ जाती रही। जी, राजेश मिश्रा जी से बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर, हकीम से बात कर रही हूँ। हकीम हाजिर है, बताइए क्या सवाल है मिश्रा साहब। छह चीजों का मिश्रण बनाए हैं। हमको ब्लूज मौसम होता था, गैस बहुत बनती थी, तो उसके लिए हकीम साहब ऐसे बैठे थे, हकीम साहब लोगों को बता रहे थे, हम भी छह चीजों का मिश्रण बना लिए, नमक जैतून भी है मंगा लिया हूँ, कैसे यूज करूँ उसको? ठीक है, ये छह चीज़ों का मिश्रण आधा या एक चम्मच खाइए, और नमक जैतून एक चुटकी पानी में मिला दें, और इस पानी से खाइए, दिन में एक बार या दो बार, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।